Subscribe now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक फैनेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है व्हील बैलेंसिंग मशीन। पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि व्हील बैलेंसिंग मशीन को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमने आगे ऑपरेशन का वीडियो दिया है कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और जैसे डिस्टेंस डालना है, डायमीटर डालना है, और मशीन से जो व्हील का जो डिस्टेंस है वो डालना है, डायमीटर डालना है, प्लस विड्थ डालनी है इसकी, जो हमारे रिम की विड्थ रहती है और रिम का डायमीटर रहता है, रिम की जो मशीन के ऊपर बैलेंसिंग करने के लिए जो लगाया हुआ है उसका प्रॉपरली डालना है। ये रीडिंग्स ये आपको इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये रीडिंग्स हम गलत डाल देंगे तो हमारी व्हील बैलेंसिंग एक्यूरेट होगी दोस्तों। तो इसके लिए जो है आपको वीडियो में भी दिखाया गया है, वो ध्यान से देखिएगा वीडियो। साथ में एक और इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमारी शाफ्ट है व्हील बैलेंसिंग की, जिसके ऊपर हमने व्हील को माउंट किया है, तो उसके बिल्कुल शाफ्ट के सेंटर में हमने जो ना वेट लगाना, जैसे ये हमारी सपोज दैट ये शाफ्ट है, ये हमारा व्हील है, तो इस शाफ्ट के सेंटर में लेकर के ऊपर साइड में हमने वेट को माउंट करना है, और ऐसे ही इनर साइड में, ऐसे ही आउटर साइड में, ये दोनों साइड हमने उसी हिसाब से जो ना वेट लगाना है प्रॉपर बैलेंसिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए। कई बार क्या होता है मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉपरली शाफ्ट पे नहीं लगाते हैं, या डिस्टेंस डायमीटर और जो ना रिम की विड्थ है वो प्रॉपरली नहीं डालते हैं, दैट्स वाई हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो कई बार रॉन्ग आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है, और आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे को ये काम प्रॉपरली करना है। ये एक फैनेटिक डिजिटल व्हील बैलेंसर, ये फुली एलईडी रीडिंग डिस्प्ले है, ठीक है, और विद 3 एलॉय सर्किट फंक्शन एंड 5 एलू फंक्शन। ये इसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं एक व्हील को बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्हील को हम स्क्रीन पर माउंट करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी माउंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद माउंट करने के बाद हम इसका जो डायमेंशन है वो हम इसमें सेट करेंगे। ये इसमें देखिए ए, ये जैसे कि एरो से आपको शो हो रहा है, ए मीन्स की इसकी यहाँ से ये वाले गेज की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से आप फिक्स करेंगे, ये इसके ऊपर लगा, ये आप देखिए ये रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ से आप मैनुअली भी फील कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप ये मशीन में भी आपका ले लिया, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि आपकी जो रीडिंग है ये 7.5 इसकी रीडिंग है, ओके। उसके बाद बी, ब्रेथ, ब्रेथ मींस कि टायर की जो विड्थ है, ये इसकी जो यहाँ की विड्थ, ये इसकी ब्रेथ, ये इसी यहाँ से हम इसको सेट करेंगे, टायर की ब्रेथ 5, ये हमने फिट कर दिया। प्लस है ये माइनस, ये बिल्कुल, ये ऊपर का प्लस है, ये माइनस है, इससे हमारी रीडिंग चेंज होगी। उसके बाद ये डायमीटर जो भी टायर का डायमीटर होता है, एक्चुअली टायर पे क्या है, यहाँ पे आपका मेंशन होता है पूरा डाटा, ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए एक गेज दिया गया है, इस गेज से आप ये मेजर कर सकते हैं कि टायर का क्या आपका ब्रेथ है, क्या विड्थ है, ठीक है जी, ये आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से लगा के, कैसे इसे, और ये इसकी आप यहाँ से लगा के आप इसका डायमीटर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये डायमीटर है, डायमीटर इसका 14 है, 14 का टायर है। उसके बाद इधर आ, उसके बाद हम इसको ऑटो कट ऑन कट ऑफ स्विच से अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये टायर रोटेट हो रहा है और ऑटोमेटिक ब्रेक, ये उसके बाद हमने ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। उसके बाद हमारी ये रीडिंग आ गई है, इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में 15 ग्राम, इधर 20 ग्राम, ठीक है जी, इधर क्या है, यहाँ से इधर 15 ग्राम लगा देंगे, इधर 20 ग्राम। अब देखो वेट कहाँ पे पोजीशन करना है, हमने वेट की पोजीशन, इसको टायर को हल्के हल्के रोटेट करेंगे, ये देखो मशीन यहाँ पे आपको बीप करके बताएगी और ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्रेक लग जाएगी मशीन की, ये मशीन ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, ये देखो ब्रेक लग गई, टायर आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अब इधर साइड 15 ग्राम लगा देंगे इनर साइड में, यहाँ पे इसके बिल्कुल शाफ्ट के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे हम इनर में 15 ग्राम का वेट लगा देंगे, और इधर साइड उसके बाद ये घुमाएंगे हम 20 डिग्री का, यहाँ पे हम
शाफ्ट के बिल्कुल आउटर साइड में यहाँ पे हम 20 ग्राम का वेट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं लगा देता हूँ 15-20 के लिए। इसकी जो आप सिधाई ले रहे हो वो किस वजह से स्पेसिफाई कर रहे हो? यहाँ पे हमने 15 का लगा दिया, ये अंदर बाहर की तरफ का सेट किया है। पहले इसको देखना है, यहाँ पे इसको बिल्कुल रेड लाइट जब आई है इसको पूरा रोटेट को बिल्कुल यहाँ पे इसका शाफ्ट के बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पे आप 15 ग्राम का वेट लगाओ। इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोज पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।